नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। कानपुर से बड़ी खबर है। कानपुर में महिला के अपहरण का प्रयास। महिला के शोर मचाने पर धक्का देकर भाग गए कार सवार। वारदात में गिरकर घायल हुई महिला, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बर्रा थाना क्षेत्र के जरौली बाईपास की घटना। एक तरफ डॉक्टर रेड्डी के लिए पूरे देश में इंसाफ की गुहार लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सोचिए, एक लड़की के अपहरण की कोशिश होती है बिना शौचालय के। ओडीएफ कैसे हो गया गांव, ये अगली खबर। आते हैं बड़े बड़े साहब, आते हैं चले जाते हैं। ना कोई गांव में नाली है, ना खरंजा है, कुछ भी नहीं है। निकलने आने का रास्ता नहीं है। बहू बेटियां हमारी बाहर जाती हैं और गांव बाहर जाती हैं। कुछ भी खेती पाती भी इस गांव में नहीं है। और कुछ भी जो जहां भी जाती हैं, कोई भी भगा देता, कोई क्या करता, कोई गाली देता है। कुछ भी नहीं हो रहा है इस गांव में। क्या है गांव, नगर पंचायत में गांव हमारा है और सब कुछ भी नहीं समझ में आता है। मालूम है जिला हमारे यहाँ शौचालय ने कॉलोनी है। शौचालय शौच की क्रिया करने कहाँ जाती है? खेतों में। अच्छा, क्या कभी अधिकारी कभी आया निरीक्षण करने? नहीं आया है, कभी नहीं आया हमारे गाँव में। कोई योजना नहीं आई हमारे गाँव में तो। अच्छा, खुले में शौच करने आती है, तमाम परेशानी का सामना दिक्कत नहीं होती है? आती है तो क्या करे सर, कुछ भी नहीं है। शौचालय है ही नहीं? ना शौचालय, ना हमारे कॉलोनी, ना हमारे कुछ भी नहीं है हमारे मुस्काबाद में। उधर अच्छा बुजुर्ग हैं, शौच करने कहाँ जाती हैं? बाहर खेतों में। तो दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत तो बहुत होती है। अच्छा, मैं ये बताओ कि तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर में शौचालय है? बिल्कुल नहीं सर, हमारे गांव में तक नहीं शौचालय, ना घर में। बहू बेटियां जाती हैं बाहर तो गाली गलौज सुनती हैं और गाली गलौज सुन करके चली आती हैं बेचारी। कौन गाली देता है? गाली देते खेत वाले। अच्छा। बड़े परेशान रहते हैं हम लोग। भूमिहीन है हम लोगों के पास, ना जमीन है, ना जायदाद है, कुछ भी नहीं। गरीब आदमी है, ना नाली है, ना सड़क। लोग आते हैं खरंजा नाप जाते हैं, लेकिन कोई अधिकारी कभी आया नहीं? आते तो बहुत है लेकिन मीटर तक घिस गए। लेकिन जमालपुर की आबादी लगभग 1000 के आसपास है। ये हमारे वार्ड नंबर 3 में आने वाला एक मचरा जो पूर्व में था, वो हमारे वार्ड नंबर 3 शिवाजी नगर में आता है। इस पे अधिकतर ज़मीनें जो मकान बने हुए हैं, ये सरकारी ज़मीनों में बने हुए हैं, जो कि संरक्षित ज़मीनों में बने हुए हैं, जहाँ पे हम शौचालय सरकारी धन से पक्का निर्माण नहीं करा सकते। ODF करने की स्थिति लाने के लिए हमने वहाँ पर कम्युनिटी टॉयलेट 2 टेंडर किए जा चुके हैं। ज़मीन का चिन्हांकन वहाँ के लोगों के विरोध के द्वारा अभी तक नहीं हो पाया है। सरकारी ज़मीन पे भी हम अपने टाइम कम्युनिटी टॉयलेट नहीं बना पा रहे हैं। वहाँ व्यक्तिगत लोगों का कहना है कि हम 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमें हमारे घर में शौचालय उपलब्ध कराया गया, जबकि सरकारी ज़मीन होने के कारण हम उनको घर में शौचालय उपलब्ध नहीं करा सकते। कम्युनिटी टॉयलेट बनवा सकते हैं, जो टेंडर हो चुके हैं। राजस्व विभाग से रोज संपर्क में हूँ मैं,
जैसे ही जमीन का चिन्हांकन होता है निर्माण करता। कहाँ से पार्षद हैं आप? मेरा नाम करण सिंह कुशवाहा है, वार्ड नंबर 12 बजरंग नगर के सभासद। अच्छा, ये जमालपुर मजरा लगता है आप? जमालपुर दो गाँव हैं जो हमारे वार्ड में लगते हैं। अच्छा, तो उसमें शौचालय बने? उस गांव में शौचालय नहीं बने हुए हैं, एक भी शौचालय नहीं बना। कितनी आबादी होगी? लगभग 1200 से 1500 की आबादी है। अच्छा, ये बताइए, एक भी शौचालय नहीं? एक भी शौचालय नहीं। तो सब शौच क्रिया करने कहाँ जाते हैं? सब बाहर जाती है जनता वहाँ। अच्छा, गांव ओडीएफ घोषित कर दिया? गांव ओडीएफ घोषित कर दिया, बिना मेरी जानकारी लिए हुए ओडीएफ घोषित किया है। अच्छा, क्या मानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन को बट्टा लगा रहे हैं? बट्टा लगा रहे हैं सर, बहुत भयंकर बट्टा लगा हुआ है, बिना जानकारी के फर्जी कागजों से ओडीएफ किया गया। अच्छा, ये बताइए कि ईओ साहिबा से हमने बात की, उनका कहना था कि शौचालय इस वजह से नहीं बनने क्योंकि उस जमीन जो सरकारी है वो सर जमालपुर राजस्व गांव है, उस गांव की मैं गारंटी लेता हूँ, वो पुरानी आबादी है, 100 साल से वहाँ पे गांव बने हुए हैं। क्या नाम? जो प्रकरण है ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि वो कल्याण की जमीन है या जो व्यक्ति उसको मकान बनाया है उसकी अपनी जमीन है। और सरकारी जमीन पे अगर किसी ने कब्जा करके अवैधानिक तरीके से किसी ने मकान बना रखा है तो वहाँ पर तो नियमानुसार शौचालय ड्यू नहीं होता है। तो इस चीज़ की इसको रेवेन्यू टीम को बेस करके दिखवा लेंगे, अगर वो कल्याण की जमीन होगी तो उसमें कब्जा हटाने की कार्रवाई होगी। कानपुर देहात जिला ODF घोषित कर दिया गया है। पहले हमने कृपालपुर दिखाया था जहाँ लगभग 2000 आबादी थी, बावजूद इसके एक भी शौचालय उस गाँव में नहीं बना था। कृपालपुर से सटा हुआ गांव है जमालपुर। इस वक्त हम खड़े हैं जमालपुर गांव में जहां तकरीबन 1000 आबादी है, बावजूद इसके इस गांव में भी एक भी शौचालय नहीं बना है। हमने जायजा लिया, पूरा गांव घूमा, लेकिन गांव में हमें एक भी शौचालय नहीं दिखा। सबसे बड़ा सवाल कि पूरा कानपुर देहात जिला ODF घोषित कर दिया गया, उसके बाद भी दो गाँव ऐसे दिखे जहाँ 2000 आबादी, 1000 आबादी और शौचालय एक भी नहीं। हमारे साथ कुछ गांव वाले मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर शौचालय क्यों नहीं बना। ये बताइए कि इस गांव में शौचालय बने? नहीं सर, एक भी शौचालय गांव नहीं बना है। अधिकारी कभी आए? नहीं सर, कोई नहीं आया। आपको मालूम है कि जिला ODF घोषित कर दिया गया है, मतलब खुले से शौच मुक्त, खुले में कोई शौच नहीं करता? जी जी सर, सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद भी हमारी माता बहनें खुले में जाती हैं शौच के लिए। अच्छा, यहाँ से जो है माती मुख्यालय कितनी दूर है? माती मुख्यालय मुश्किल से 5 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर से। माती मुख्यालय 3-4 किलोमीटर है, जहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सारे अधिकारी बैठते हैं, प्रशासनिक सारे अधिकारी बैठते हैं, जिला अधिकारी बैठते हैं। उसके बाद भी जो है ये गांव महज 3-4 किलोमीटर का दायरा होगा यहाँ से माती मुख्यालय का, उसके बाद भी यहाँ पर शौचालय नहीं बने और जिला ODF घोषित है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, ये बताइए कि क्या आपके गांव कितनी आबादी होगी? 1000 होगी लगभग। शौचालय बने? नहीं, एक भी नहीं सर। क्यों? क्या बताया था, आए नहीं तो क्या बताया? शौचालय एक नहीं बना? नहीं, एक भी नहीं बना। अच्छा, अधिकारी कभी आए? नहीं, देखा हो, जायजा लिया हो? कभी नहीं आए। कुछ और लोग आइए, उनसे बात करने। चाचा, ये बताइए कि 1000 आबादी इस गांव की, शौचालय नहीं बने? शौचालय बने नहीं, एक भी शौचालय नहीं बना। तो लोग खुले में शौच करते हैं सर? खुले में शौच होता है। जो ग्रामीणों का कहना है कि 1000 आबादी इस गांव की है और एक भी शौचालय यहां पर नहीं बना है, तो जाहिर सी बात है कि यहां के जो अधिकारी थे उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर इस गांव को ODF घोषित कर दिया और उसी बिहाब पर कानपुर देहात जिला भी ODF घोषित हो गया। सलीम सिद्दीकी, कानपुर देहात, न्यूज़ वन इंडिया। कानपुर देहात की तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली है। एक तरफ इलाके को ODF फ्री कर दिया जाता है, लेकिन तस्वीर ऐसी हैरत में डाल देने वाली कि ODF के नाम पर भद्दा मजाक किया जा रहा है, कागजों के अंदर काम पूरा, पैसे जेब के अंदर और लोग हैं खेतों में। आगे खबर बढ़ेंगे, लखनऊ से खबर है, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश पर नोटिस जारी हुआ है। प्रदेश महामंत्री विद्यासागर सोनकर ने ये नोटिस जारी किया है। एक हफ्ते के भीतर विधायक को नोटिस का जवाब देना होगा। नंदकिशोर गुर्जर को शिकायतों के आधार पर ये नोटिस भेजा गया है। तो आखिरकार नंदकिशोर गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। एक हफ्ते के अंदर विधायक को इस नोटिस का जवाब भी देना होगा। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश पर ये कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश पर यह नोटिस जारी हुआ है और अब एक हफ्ते के अंदर विधायक को इस नोटिस का जवाब भी देना होगा। पंद्रह दिसंबर से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य होने जा रहा है। अगर नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा पर बिना रुके वाहन निकालना है तो फास्टैग बनवाना जरूरी होगा। केंद्र सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब टोल प्लाजा पर केवल एक ही लेन कैश टोल की होगी, अन्य सभी लेन से सिर्फ फास्टैग वाले वाहन ही निकल पाएंगे।
किसी को भी फास्टैग बनवाने के लिए टोल प्लाजा या बैंक के जरिए या मोबाइल ऐप के जरिए आप इसे बनवा सकते हैं। न्यूज़ वन इंडिया की टीम टूंडला टोल प्लाजा पहुंची, जहां पर लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। कुछ लोगों में फास्टैग के नियम को लागू होने पर काफी उत्साहित भी लोग नजर आए। फास्टैग बनवाने के लिए लोगों को लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है, मगर लोग इसलिए नियम का पूरी तरह से पालन कर भी रहे हैं और कुछ लोग नहीं भी कर पा रहे हैं। बैंक की तरफ से फ्री दिया जा रहा है, आगे इसका 100 रुपये चार्ज लिया जाएगा, लेकिन अभी हम फ्री में बांट रहे हैं। लोगों में उत्साह है, लोग आ रहे हैं, लगवा रहे हैं। हमारे डेली 35 से 40 कस्टमर को फास्टैग लगा, जानकारी हो चुकी है, उनके अंदर बहुत उत्साह है। और कुछ ने पिछले एक सप्ताह से वो जुटे हुए हैं। कभी कभी ये भी स्थिति आ जाती है कि हमारे फास्टैग खत्म हो जाते हैं। अच्छा, हम ये आशा करते हैं कि आगे आने वाले 15 दिनों में बढ़ा दिया क्योंकि अभी 15 दिन का समय बढ़ा दिया गया है। अच्छा, 15 दिसंबर से जो 1 दिसंबर से लागू होना था, 15 दिसंबर से लागू होगा। अच्छा, हमें पूर्ण विश्वास है कि 95% लोग इस कसौटी पर पार उतर जाएंगे। और नहीं लगवाएंगे तो? अगर वो नहीं लगवाएंगे तो यह पेनल्टी का प्रोविजन है। पेनल्टी का प्रोविजन ये है कि वो बंदा जब फास्टैग में घुसेगा उससे दोगुना भुगतान लिया जाएगा। कानपुर में महिला के अपहरण का प्रयास हुआ। महिला के शोर मचाने पर धक्का देकर कार सवार भाग गए। वारदात में गिरकर घायल हुई महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बर्रा थाना क्षेत्र के जरौली बाईपास की यह घटना है। तो एक तरफ पूरा देश जहां डॉक्टर रेड्डी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है, हर कोई वी बॉन्ड जस्टिस की तख्तियां ले सड़कों पर उतरा है, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में एक बेटी के साथ में कोई बड़ी घटना घट सकती थी। उसके शोर मचाने के चलते अपहरणकर्ता उसे छोड़कर सड़क पर धक्का देकर भाग गए। कानपुर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। और क्या खौफ है इन तस्वीरों के बाद, आप ये भी सोच सकते हैं। खबर है ग्रेटर नोएडा से। रिहायशी इलाके में फिशिंग कैट के घुसने से दहशत। फुटप्रिंट के आधार पर जंगली बिल्ली के घुसने की आशंका। गौरसिटी इलाके में जंगली बिल्ली के घुसने की सूचना पर हड़कंप मच गया। एक तेंदुए के घुसने की भी आशंका। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा वन विभाग। 3 टीमें अब तलाश कर रही हैं। ग्रेटर नोएडा में फिशिंग कैट घूम रही है और साथ ही साथ एक तेंदुए के घुसे होने की भी आशंका है। सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की 3 टीमें इस वक्त तलाशी ले रही हैं। रिहायशी इलाके में फिशिंग कैट के घुसने से दहशत का माहौल है। फुटप्रिंट के आधार पर जंगली बिल्ली के घुसने की आशंका जताई जा रही है। इस सोसाइटी में कोई जो है जंगली जीव आ गया है, ये सूचना रात में करीब 1:30 बजे जो यहाँ का गार्ड है उसने बोला है कि मैंने एक जो है तेंदुआ टाइप जानवर जो है इधर देखा है। सूचना मिलने पर हम लोग सुबह ही यहाँ पर पूरी टीम हमारी करीब 15-16 लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर जाल लेकर के आए हैं और पिंजरा लेकर के आए हैं। और जहाँ उन्होंने ये बताया कि ये बेसमेंट में, बेसमेंट यहाँ काफ़ी बड़ा है, कम से कम लगभग 2000 स्क्वायर मीटर में बेसमेंट है, अभी कंस्ट्रक्शन उसमें चल रहा है। हम लोगों ने उस बेसमेंट के सारे रास्तों पर जाल लगा करके उसको हमने सर्च किया, कहीं कोई उसमें उसका पगमार या कोई कुछ भी वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। कुछ पगमार्क सत्यता है या रूमर है, मतलब कुछ पगमार्क में कुछ पता चला? पगमार्क में जो पगमार्क मिले हैं तो वो पानी में मिले हैं या जो यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो थोड़ा बालू वगैरह में है, जिससे पहचान नहीं की जा सकती। लेकिन जो गवाह है, जो 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 जिसने मौके पर देखा है, वो कह रहा है कि मैंने अपने देखा है, एक झलक मैंने इधर को देखा है। लेकिन फिर भी हम संभावना को नकार नहीं सकते। कुछ रोक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। प्रयागराज के केपी ग्राउंड में साहू एकता मंच के तत्वाधान में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पहुंचकर वरवधु को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर उन्होंने संबंधियों को संबोधित भी किया। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सर्किट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनने भी पहुंचे।
और खबर है सहारनपुर से, जहां पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, दो लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इसमें दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर, फैक्ट्री में कई लोगों के फंसे होने की संभावना है। थाना देहात कोतवाली इलाके जनता रोड पर है पटाखा फैक्ट्री, जहां पर भीषण आग लगी और आग की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लोग इसमें झुलस भी गए हैं बुरे तरीके से। सहारनपुर का ये नजारा, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरह से बार बार अब पटाखे यहाँ फट रहे हैं, कई लोगों के फंसे होने की इसमें आशंका भी है। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में जिस दौरान ये आग लगी, कई लोग इधर उधर फंसे हुए थे, कई लोगों के फंसे होने की आशंका, कई लोग झुलस भी गए हैं इस आग में, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए, जबकि अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। नोएडा में सेक्टर 75 एम्स गार्डेनिया में निवेशकों का प्रदर्शन रहा। दरअसल ये प्रदर्शन था बिल्डर के खिलाफ, मूलभूत सुविधाएं ना मिलने से निवेशकों में काफी रोष है। एम्स गार्डेनिया में सड़क और लाइट की व्यवस्था खराब है, सड़क और लाइट को लेकर निवेशकों ने प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजियां की और उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 75 में निवेशकों का प्रदर्शन चल रहा है, मूलभूत सुविधा ना मिलने को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बिल्डर ने उनसे वादा किया था फ्लैट लेते समय कि जो मेंटेनेंस है और पार्क की सुविधाएँ हैं और क्लब है, उन चीज़ों को लेकर के वादे किए गए थे, वो सब चीज़ पूरे मिलेंगे। पर बिल्डर की तरफ से ये जो है 8 से 10 साल से रह रहे हैं, फिर भी अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। इन साफ तौर पर निवेशकों का कहना है कि जब तक इनकी मूलभूत सुविधाएं पूरे नहीं होते हैं, जब तक वे ऐसी प्रदर्शन करते रहेंगे। और सरकार से अपील है कि इन बिल्डर के ऊपर कार्रवाई की जाए और इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। नोएडा से विनायक गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के बैनर तले यादव महासम्मेलन और चिंतन मंथन शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के माध्यम से समाज के युवाओं से समाज के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभाने की प्रेरणा दी गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रहे यादव समाज के कई लोग और नौजवानों से समाज के हर क्षेत्र में भागीदारी निभाने और युवाओं से देश सेवा करने की अपील इस दौरान की गई। इस दौरान में सभी वक्ताओं ने कहा कि युवाओं और नौजवानों को शिक्षा, सेना, पत्रकारिता, सामाजिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में आगे आकर अपना योगदान देने की जरूरत है, जिससे समाज का उत्थान हो सके। वरिष्ठ पत्रकार कई यहां पर मौजूद थे, जिन्होंने यादव समाज की शिक्षा और एकता पर जोर देते हुए कहा कि अगर समाज का युवा शिक्षित होगा, एकजुट होगा, तो समाज मजबूत होगा। आगे जो हमारे वक्ता हैं, मनीष सिंह यादव जी, दरोगा जी, मेरा नाम पूजा यादव है, तो वो आदत एक मिनट के लिए सोचने में मजबूर हो जाता है कि नाम ये भी बंद जब होती तो ताकत होती है। और आप सभी लोग भी यही बात कर रहे हैं कि एकजुटता बहुत जरूरी है और हमारे यहाँ एक सेकंड सामने देखिए, आपने जितने लोग आए हैं अपने सभी यादव भाइयों को समझाएं, सभी यादव समाज के लिए कि भाई सभी यादव समाज एकजुट होकर कि जो यादव समाज है इसको एकजुट के आगे हैं, जो हमारे विश्व में लगे हुए हैं जिंदगी मुख्य साथियों का हाथ पकड़ अभिनंदन और बहुत स्वागत। इसके साथ साथ में ही क्यों कहते हैं आप तो पिछड़ी जाति के लोग हैं, आज वो बहुत आगे निकल चुके हैं और देश सबकी दिशा और दशा निर्धारित हो रही है। खबर बुलंदशहर से, एंटी करप्शन ने जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा है। ग्रामीण अभियंत्रण के जूनियर इंजीनियर राम खिलाड़ी को गिरफ्तार किया है। स्टीमेट पास करने के एवज में विद्यालय के प्रिंसिपल से रिश्वत ली थी।
37,500 रुपए की मांग कर रहा था जूनियर इंजीनियर, 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। भीमपुर दोराहा पर होटल के पास ये गिरफ्तारी हुई है। एजुकेशन कॉलेज में प्रधानाचार्य हूँ जी। और अभी हमारी कॉलेज के लिए हमारे स्नातक क्षेत्र के MLC हैं हेम सिंह सिंधी, उन्होंने 5,00,000 रुपए एक कमरे के निर्माण के लिए स्वीकृत किए और एक हॉल बनवाने के लिए डिवाइस क्षेत्र की माननीय विधायिका डॉक्टर अनिता लोधी जी ने 10,00,000 रुपए इसको स्वीकृत किए। उसकी फाइल हमारी इस समय बुलंदशहर JERS के यहाँ थी, जो उसका एस्टिमेट बना था उस एस्टिमेट को वहाँ से पास होना था, तो उस एस्टिमेट को पास करने के एवज में JERS हमसे 2.5% की मांग कर रहा था। 2.5%? हाँ, 2.5%, 15,00,000 के बैठते हैं, 37,500। हमने उनसे कहा कि हमारे पास, हमारा कॉलेज बिल्कुल संसाधन विहीन है, हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई लैंड नहीं है, कोई जमीन नहीं है, हम पैसा। और वहीं आजमगढ़ में तमंचे पर डिस्को देखने को मिला प्रधान को, लेकिन ये तमंचे पर डिस्को भारी पड़ गया। पुलिस ने प्रधान को पकड़कर जेल भेज दिया है। महनगर के अहियाई गांव में वैवाहिक समारोह था, समारोह में पहुंचे थे बलेलपुर गांव के प्रधान भोजू यादव। नशे में धुत भोजू यादव ने तमंचे पर डिस्को कराया। नशे में धुत ग्राम प्रधान ने कई बार फायरिंग की, तमंचे पर डिस्को और फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रधान को पकड़कर जेल भेजा गया। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।